त्रिपुरा विधानसभा निर्वाचन के आखिरी चरण में हम लोग हैं। जैसे आप जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने त्रिपुरा में जब घोषणा की थी त्रिपुरा के चुनाव फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट और पीसफुल रहेंगे, कमीशन के मार्गदर्शन में स्पेशल ऑब्जर्वर सभी हमारे जिले की टीम सभी ने 16 तारीख को पीसफुल तरीके से और सभी मतदाताओं ने उत्सव के वातावरण में मतदान पूरा किया। उसके बाद पिछले 9 दिनों में कुछ एक दो घटनाएं छोड़ के काफी शांतिपूर्ण वातावरण रहा है और मुझे आपको बताने में खुशी होती है कि पिछले 5 दिन में कोई भी अप्रिय घटना हमारे राज्य में नहीं हुई। 2 तारीख को 21 काउंटिंग सेंटर में 60 विधानसभा केंद्र की काउंटिंग होगी। इसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 60 काउंटिंग ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति की है। सोमवार के बाद उनका आगमन होगा और उनके निगरानी में सभी रिटर्निंग ऑफिसर काउंटिंग करेंगे। हमारे सामने जो चैलेंज है कि जैसे हमने पोलिंग के बाद त्रिपुरा के सभी नागरिकों ने संयम दिखाया है, शांति के वातावरण में आज तक हम रहे हैं, उसी तरीके से काउंटिंग के बाद भी यही शांति का वातावरण रहे, इसके लिए मैं आपके माध्यम से आज सभी त्रिपुरावासियों को अपील करना चाहूंगा कि त्रिपुरा का एक अच्छा नाम हमारे देश में है, हमारे राज्य का गौरवपूर्ण इतिहास, संस्कृति, प्राकृतिक सौंदर्य ये देन हमारे राज्य को मिली है। बंगाली लैंग्वेज, कोकुरब लैंग्वेज की मिठास, दुर्गा पूजा, खांची पूजा, विशेष करके जो आर्ट्स म्यूजिक के क्षेत्र में त्रिपुरा का जो नाम है, हम बहुत ही गौरव के साथ बोलते हैं कि एसडी बर्मन, आरडी बर्मन हमारे राज्य के है। हमारे राज्य में हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट समुदाय भाईचारे में रहते हैं। वही कई दशकों में हमने देखा है कि बंगाली और ट्राइबल समुदाय भी काफी शांतिपूर्ण वातावरण में यहाँ रहता है। साक्षरता में हमारे राज्य का नाम है, पूरे देश में नाम है।